ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहता है इसे चिंतन करो, जो बाबा कहता है वो ठीक है, दुनिया में करे वो ठीक है। इसलिए जब ऐसा मनन चिंतन करेंगे, तीन सेनाएं, एक कौरव, पांडव, तीसरा यादव, तीनों बिना तैयार है। पांडव अर्थात परमात्मा प्रीत बुद्धि वाले, कौरव अर्थात परमात्मा को जानते हुए भी गलत काम कर रहे हैं, जानते हुए भी अंधा, मतलब पता है कि आत्मा आया है, डोंट केयर करके अपने मोह माया में उसमें। यादव अर्थात जिसके पेट से मुसल निकला, अपने कुल का नाश किया, मिसाल बनाना। तो हम कौन सी सेना में है? पांडव में। जब युद्ध होने से पहले कृष्ण कहता है, देखो भाई कौरव का कोई अगर हमारे में है तो भी अभी भी जाता है, अगर उधर की सेना में हमारा कोई अभी भी आ सकता है, तो इसी तरह यहाँ भी कोई अगर कई कई तो क्या करते, क्यों आते हैं? हमारी पड़ोसी नहीं जाते, इसलिए हम भी चलते थोड़ा, इसीलिए नहीं आओ। भगवान पढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई बहने नहीं आपको सुना रहे, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। इसलिए वही असली अंत में जब भीष्म को पता चला, कृष्ण ने आकर के गीता सुनाया, तो उस समय अपने भाग्य ऊपर कोसते हुए कहता है, हे वायु, आपको थोड़ा भी दया मेरे पर नहीं आई, थोड़ी भी दो भी झलक आती मेरे को दो महावाक्य सुनने को, मैं विधाता को पूछूंगा कि मुझे अर्जुन क्यों नहीं बनाया, कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया, विधाता को पूछूंगा। तो इसी तरह आसपास वाले लोगों को पता चलेगा, अरे इसी सेंटर पर स्वयं परमात्मा ने गीता का ज्ञान दिया, और हम तो नजदीक थे, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, नहीं आ पाए, हमने अपना बहाना, पश्चाताप होगा। इसलिए यहाँ संगम युग में जो कुछ घटनाएं होते हैं उसका शास्त्र बनता है, ग्रंथ बनता है, रीति बनते हैं, रिवाजे बनते हैं, सब कुछ बनता है। तो आज हम पांडव सेना में हैं, और पांडव सेना की विजय उनकी है। इसलिए बाबा कहता है ऐसा चिंतन करो, आज वही देवी देवता, जिस देवी देवताओं को लोग मंदिर में पूज रहे हैं, आज वही गंगा का मेला यहाँ लगा हुआ है। देवी देवता चैतन्य कितने भागे चले, आज देवी देवताओं को देखने के लिए लोगों को कितना तरसते हैं। तो आज ऐसे ब्राह्मणों के संगठन में हम आते हैं, जैसा एक राजा दूसरे राजा को रिगार्ड देता है, हमें भी क्या करना है, एक ब्राह्मणों को दूसरे ब्राह्मणों के साथ उसी भावना से देखना है। ब्राह्मणों की कभी भी कमजोरी नहीं देखनी है, हर एक विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, इस भावना से देखना है।